आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की डिग्री पार्ट वन की जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आ चुकी है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो आप बाहर से पता नहीं कर सकते। तो देखिए, इसमें आपको दिया गया है डिग्री पार्ट वन एग्जामिनेशन की जो नोटिस आज आई है 6 को आई है। देखिए, उसमें दिया गया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना 8,20,000 में। इस नोटिस का जो रेफरेंस नंबर है वो है 30 PP जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पार्ट वन एग्जामिनेशन को लेकर नोटिस आई, द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ डिग्री पार्ट वन शैल बिगिन फ्रॉम 12/3/2020। ये जो शुरू होगी पार्ट वन की एग्जामिनेशन फॉर्म भराई वो 12 से चालू होगी। ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट विल बी एबल टू फिल द फॉर्म। रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो भी हैं, जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उन्हीं का जो है फॉर्म भराया जाएगा। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है, वो इस साल फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन की डेट भी खत्म हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ पे नीचे दिया गया है, स्टूडेंट्स कैन गेट देयर रजिस्ट्रेशन स्लिप ओनली व्हेन वेरीफाइड बाय कॉलेज। ये आपको वो स्टूडेंट्स ही फॉर्म भर सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो उसको कॉलेज के द्वारा वेरीफाई करके दिया गया है वो स्टूडेंट्स ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। तो इसमें ध्यानपूर्वक देख लीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स कैन गेट द रजिस्ट्रेशन स्लिप ओनली व्हेन वेरीफाइड बाय कॉलेज। स्टूडेंट्स जो है वही रजिस्ट्रेशन वेरीफाइड जो भी रजिस्ट्रेशन कराएं उसको कॉलेज से अगर वेरीफाइड हो चुका है तो वही स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। स्टूडेंट्स हु हैव फिल्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सबमिटेड द डॉक्यूमेंट टू कॉलेज बट नॉट गेटिंग देयर रजिस्ट्रेशन स्लिप विल कॉन्टैक्ट और ए कंसर्न कॉलेज आफ्टर 11/3/2020। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स का जो है कॉलेज में आप जाकर रजिस्ट्रेशन का सारा कुछ लगा करके, जो भी मार्कशीट, जो भी अलग अलग कॉलेज जो भी डिमांड करता था उन सारे कुछ को लगा करके आप लोग जो जमा किए थे उस कॉलेज से आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्लिप नहीं मिला हुआ, तो कॉलेज उसको वेरीफाई करने की कोई वेरीफाई इस बात की होगी कि आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो। इस चीज़ को वेरीफाई करके कॉलेज आपको एक स्लिप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जब वो आपको स्लिप वो मिल जाएगा तो वो स्लिप के रहने के बाद ही आप जो है फॉर्म भर सकते हो, उसके अलावा आप फॉर्म आपको भरने नहीं दिया जाएगा। तो आप जो यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है 11/3/2020, आफ्टर 11/3/2020 11 के बाद जो है आप कॉलेज जाके वो स्लिप ले सकते हो, ठीक है। आप स्लिप लेने के बाद, आप कॉलेज स्लिप लेने के बाद आप फॉर्म भरिए, ठीक है। तो आपको जो पूरा इसका समरी में बताता हूँ, जो फिलिंग एग्जामिनेशन पार्ट वन की जो है वो होली के बाद यानी कि 12/3/2020 को 12 मार्च से चालू होगी। ओनली रजिस्टर्ड जिस भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वही स्टूडेंट्स जो है इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन गेट देयर रजिस्ट्रेशन स्लिप ओनली व्हेन वेरीफाइड बाय कॉलेज। स्टूडेंट्स जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप तभी ले सकते हैं जब उसका जो है कॉलेज के द्वारा वेरिफिकेशन हो गया है, ठीक है। उसके बाद दिया गया, स्टूडेंट्स जो है फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सबमिटेड द डॉक्यूमेंट टू कॉलेज बट नॉट गेटिंग द रजिस्ट्रेशन स्लिप विल कॉन्टैक्ट कंसर्न कॉलेज। जो भी आप कॉलेज से आप स्टूडेंट्स हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज से आप 11 के बाद जाके आप जो है वहाँ से ले लीजिए वेरिफिकेशन स्लिप, जो भी मिलता है आपको कॉलेज की तरफ से वो लीजिए, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।